नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आंचल ठाकुर। तो आज हम बनाएंगे हिमाचल की डिश पतरूरू। इसे उत्तराखंड में भी बनाया जाता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अरबी के पत्ते, थोड़ा सा बेसन, और उसके बाद हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। फिर हमें चाहिए बेसन में ज़ीरा, और उसके बाद हम डालेंगे हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और दो मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, और उसके बाद अदरक पाउडर। अदरक हो सके तो आप भून के भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और तब तक इसे मिलाते रहेंगे जब तक इसका अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता। तो इसे घोलेंगे घोलेंगे, इसका ऐसा ही मिक्सचर बनना चाहिए। तो अब हम अरबी के पत्ते को उल्टा करके उस पर इस पेस्ट को लगाएंगे, और फिर से वही प्रोसेस करेंगे। अरबी के पत्ते को डालेंगे और इसे फिर से इस पर वही पेस्ट करेंगे। यह प्रोसेस अब बार बार चलता रहेगा। चार से पांच पत्ते आप का ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब पत्ते को हम फोल्ड करेंगे जैसा दिखाया जा रहा है। इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि ये बार बार निकले नहीं। आप चाहे तो इसे बांध भी सकते हैं, अगर ये आपके पास निकल रहा है तो, किसी धागे से। और फिर हम इसे स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे, और स्टीम करने के बाद इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसे कट करेंगे स्लाइस में। तो ये हो चुका है कट। अब हम इसे रिफाइंड तेल में फ्राई करेंगे, जब तक ये हल्के ब्राउन कलर के नहीं होंगे तब तक इसे फ्राई करते रहना है हमें। जैसे ये ब्राउन हो गए तो इसे हम साइड में निकाल देंगे, और ये खाने के लिए। हम इस पतरोड़ी को केचप के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी रहते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।